हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन एसी सर्किट। और आपको मैं बताया था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन द लोड इज वेरिएबल। और डिफरेंट केस लिया था, केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, जिसमें ZL वेरिएबल, RL वेरिएबल था, कभी XL वेरिएबल था, कभी दोनों वेरिएबल था, और सिर्फ लोड जो हो प्योरली रेजिस्टिव। ये चार केस हम लोगों ने देखा था। और लास्ट में आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर RL सिर्फ वेरिएबल है तो RL इज इक्वल टू मोड ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट कर दीजिए, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम पावर अक्रॉस दैट RL, वो RL पे देगा। अगर आपका XL से वेरिएबल है तो XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट, जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो हम कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट था जिससे आप चारों केस को हैंडल कर सकते हो। और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर गेट में, जिसका आंसर 625 वॉट आ रहा था। अब यहाँ पे हम तीन क्वेश्चन लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट, और आज हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे कि AC सर्किट में इससे ज़्यादा आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक कल हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज प्योरली रेजिस्टिव लोड हो और आपका इंपीडेंस ZTH हो तो कैसे हम लोग करते हैं, वो सब कल हम लोग डिस्कस किए। आज हम तीन क्वेश्चन लेंगे और तीनों क्वेश्चन में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालने की कोशिश करेंगे अक्रॉस लोड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 100 एट एन एंगल ऑफ जीरो, और यहाँ पे 10 प्लस J10 है, माइनस J15, और RL यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन देख के कि RL वेरिएबल है, इसका मतलब हमको P मैक्स किसके अक्रॉस निकालना है, इस लोड के अक्रॉस। तो तीनों केस में हम लोग मैक्सिमम पावर निकालेंगे अक्रॉस द लोड, या पी मैक्स हम निकालेंगे, या किस वैल्यू के लिए, किस वैल्यू ऑफ आरएल के लिए हमारा मैक्सिमम पावर देगा। तो देखो यहाँ पे आरएल क्या है, वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो आपको मैं शॉर्टकट दिया, आरएल इज इक्वल टू, आप क्या कर दो, मोड ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट। ठीक है, तो रिमेनिंग एलिमेंट आपका क्या है, देखो रिमेनिंग एलिमेंट RL को छोड़ दो तो 10 प्लस J10 माइनस J15 यही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ 10 माइनस J5 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो RL की वैल्यू जो होनी चाहिए 125 होना चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर अक्रॉस दिस लोड RL। तो RL आपको मिल गया, उसके बाद आप करंट निकाल सकते हो, करंट निकाल के पी मैक्स भी निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नया नहीं है, ऐसा कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। नॉर्मली ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आप करंट निकालना जानते हो, करंट निकाल के पी मैक्स आप इजिली निकाल सकते हो। इस वैल्यू ऑफ RL के लिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर देगा। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे RL तो 1 ओम है, RL फिक्स्ड है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस JXC है, रिएक्टेंस जो है वो वेरिएबल यहाँ कैपेसिटर दे चुका है, मतलब कैपेसिटर का माइनस JXC हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंस को। और इस ऐसे में आपको बोल रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ XC विल गिव मैक्सिमम पावर अक्रॉस दिस लोड RL। मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना मिलेगा इस XC के वैल्यू के लिए, किस वैल्यू ऑफ XC के लिए। तो आपको मैं बताया ना कि जब सिर्फ XL वेरिएबल होगा तो क्या करना है, XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंस, यही बोला, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि XL प्लस XTH इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे देखिए J10 प्लस माइनस JXC इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से XC की वैल्यू क्या आएगी, 10 ओम। मतलब कि अगर XC की वैल्यू 10 ओम होगी तो वैसे केस में यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अगर वहीं पर यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होता, कुछ और होता तो अलग पैरामीटर निकलता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए XC की वैल्यू क्या आएगी, 10 ओम। अगर XC की वैल्यू 10 ओम है तो देखो रिएक्टिव कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क जो बिहेव करेगा दैट इज़ प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, तो प्योरली रेजिस्टिव जब बिहेव करेगा तो मैक्सिमम पावर आपको 1 ओम के अक्रॉस मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल इंपीडेंस को हम कम कर दिए हैं तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ा तो मैक्सिमम पावर आपको पावर जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अब देखिए केस थ्री में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 3 प्लस J4 है 100 एट एन एंगल ऑफ जीरो, और लोड जो है ZL है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ RL प्लस JXL, और ZL पूरा वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको पता है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केस वन एंड केस टू, तो यहाँ पे आपको मालूम है RL इज इक्वल टू RTH और XL प्लस XTH इक्वल टू जीरो, या हम इसी को लिखे थे ZL इज इक्वल टू ZTH का कंजुगेट। तो ZL की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZL की वैल्यू आ जाएगी
थ्री माइनस जे फोर, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट केस लेकर आपको मैं कल इसका कॉन्सेप्ट दिया था, आज क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना सिखाया। तो यहाँ पे ZL इज इक्वल टू 3 माइनस जे फोर, जैसे आप 3 माइनस जे फोर इसकी वैल्यू रखते हो तो जे फोर माइनस जे फोर विल गेट कैंसिल आउट एंड दिस सर्किट विल बिहेव लाइक एन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इंपीडेंस हम क्या कर दिए, कम कर दिए, ठीक है। उसके बाद पीमैक्स निकाल सकते हो। चलो मैं इसका पीमैक्स निकाल के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो यहाँ पे देखो, करंट अगर हमको निकालना हो, I इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस जे फोर प्लस 3 माइनस जे फोर, तो 100 अपॉन 3 प्लस जे फोर 3 माइनस जे फोर, तो जे फोर माइनस जे फोर कैंसिल होगा, 100 अपॉन 6, ये करंट आ गया, ठीक है। तो पी मैक्स कहाँ निकालना है हमको, लोड के अक्रॉस, तो आई स्क्वायर इंटू आर एल, और आर एल की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, तो 10 टू द पावर 4 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई आर एल की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो आएगा 10 टू द पावर 4 अपॉन 12, इतना आपका पी मैक्स होगा। तो इस तरह से आप हर एक केस में पी मैक्स निकाल सकते हो। इस केस में भी आप पी मैक्स अक्रॉस 1 ओम निकाल सकते हो, इस केस में भी पी मैक्स निकाल सकते हो। आपको करंट निकालना है, करंट निकालने के बाद आई स्क्वायर इंटू आर एल करना है, और आर एल की वैल्यू वो लेना है जिसपे वो मैक्सिमम पावर देगा। तो ये तीन केस मैं डिस्कस करना चाह रहा था एसी सर्किट में। डीसी सर्किट में और डिटेल में आप पढ़ते हो, वहाँ पे और शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको सर बताए होंगे। यहाँ पे मैं एसी सर्किट की बात करूँगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कॉन्सेप्ट एसी सर्किट में हम कैसे लगाते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है, गेट एग्जाम में अगर पूछना होगा तो इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरली गेट में पूछेंगे तो वो VTH और RTH के ZTH के फॉर्म में नहीं देंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट देंगे, और उसको आपको सबसे पहले VTH और ZTH के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना पड़ेगा किस केस का है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको शॉर्टकट जो दिया हूं वो आपको आना चाहिए, एक बार शॉर्टकट आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे एसी सर्किट का। तब तक के लिए थैंक यू।